नमस्कार जी, आज हम जिला संभल के बहजोई में यहाँ किसान मेला है तो यहाँ पे आए हैं और जो प्रदर्शनी है, जो स्टाइल हैं, जो किसानों के लिए हैं, उनके मतलब फसलों के बीज हैं या जो कृषि यंत्र होते हैं उसकी समस्त जो स्टाइल हैं वो लगी हुई हैं। अब हम एक ऐसी स्टाइल पे हैं यहाँ पे जो पशुओं से संबंधित है, तो यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ पे मतलब हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो हमारे जो पशु हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, जैसा भी हमारे घर पे पशु है, बकरी है, तो जो कि कभी बाई चांस मतलब रात में मान लो 1 बजे या 2 बजे तो उस समय उपचार मिलने में थोड़ी सी संभावनाएं कम होती हैं, तो उसके लिए जो घरेलू उपचार कुछ टाइम के लिए मतलब जो हमारा पशु है उसको आराम हो जाए, तो उस टाइम के लिए जो हमारे घरेलू उपचार हैं क्या हो सकते हैं और जो हमारे पशु को आराम हो जाए उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी मतलब करना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ जी, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अभी मैं खुद का ही वाक्य बताऊं कि जो बीती रात है, यानी बीती रात करीब 1-1.5 बजे जो हमारी जो गाय है वो खूंटे पे थी और खूंटे पे से अचानक उसके पेट में दर्द उठा या क्या हुआ, वो मतलब विचलित हो गई, मतलब इधर से उधर वो बैठ भी नहीं पा रही थी, घूम रही थी, तो हमें आवाज़ हुआ कि इसके पेट में दर्द है। वो तो कोई मान लो हमारे पास में ऐसी मेडिसिन या टैबलेट थी जो हमने उसको दी और 1 घंटे के बाद में उसे थोड़ा आराम हुआ, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हमारे पास मेडिसिन तैयार, जो हमारे घरेलू उपचार हैं जिससे कुछ पल के लिए या कुछ टाइम के लिए जो हमारा पशु है उसे आराम हो सके, इसके बारे में जो हमारे पशुपालक बंधु हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? ठीक है सर, थैंक यू सर, सभी पशुपालक भाइयों के लिए मेरा नमस्कार। सर मैं कहना चाहूँगा ऐसी सिचुएशन में कभी भी सर सबसे पहली बात तो ये है कि अपने पशु को हमेशा हर 3 महीने के बाद सबसे पहला काम उसको कीड़े की दवाई अवश्य खिलवानी है सर। उसके बाद में अगर पशु प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सर आप कोई भी मल्टीविटामिन उसको पिलवा सकते हैं। साथ ही साथ जब उसका सर ब्याने का 1 महीना या 1.5 महीना रह जाए तो हमारा एक सर प्रोडक्ट आता है, इसका नाम है सर मेटाबोलाइट मिक्स। ये सर कई सारे काम करता है, जैसे कि सर आपने देखा होगा ब्याने से 20 दिन या 1 महीने पहले होता क्या है, सबसे गंभीर समस्या सर पशु को होने लगती है प्रोलैप्स, जिसको सर पीछे आगे दिखाना कहते हैं देहाती भाषा में। जी जी जी। तो सर इसके इसमें जो 50-50 ग्राम के 20 पाउच निकलते हैं मेटाबोलाइट मिक्स में सर, या तो 1 पाउच शाम सुबह खिलवा सकते हैं साहब, या फिर आप 2 पाउच एक साथ खिलवाएंगे तो सबसे पहला काम पशु को प्रोलैप्स नहीं होगा। साथ ही साथ जब प्रोलैप्स नहीं होगा, कुछ पशु है बड़ी कठिनाई के साथ में बच्चा देते हैं, इससे खिलाने से बड़ी आसानी के साथ बच्चा बाहर निकलेगा, या फिर सर ब्याते वक्त स्टोकिया नहीं होगा, जेर आसानी से बाहर आएगी, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद में कुछ पशुओं को मिल्क फीवर यानी दूध या बुखार हो जाता है, वो भी नहीं होगा सर। और साथ ही साथ बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी सर, अडर का डेवलपमेंट, क्यों कोई भी पशु अगर पशुपालक पशु पालता है आज के ज़माने में तो दैनिक आय के लिए पालता है, और जब अच्छा अडर अगर उसका होगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी सर उसका अच्छा ही होगा सर। तो सर मेटाबोलाइट मिक्स के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप सर कंटिन्यू प्रॉपर वे में सर उसको अगर कीड़े की दवाई खिलाते रहेंगे, और एक आज के समय में सर मिनरल मिक्सचर देना पशु के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि जो अभी आप दाना चारा दे रहे हैं उससे उतनी पर्याप्त मात्रा में उसको न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो सर जो कंपनी के बनाया हुआ है एग्रीमेंट फूड एच रिलेटेड, इसमें सर पर्याप्त जितना उसको बॉडी को चाहिए उतना सर क्वांटिटी के साथ में इसमें दे रखा है सर। इसमें सर विटामिन ए 7 लाख आयु दे रखा है, विटामिन D3 70 आयु है इंटरनेशनल यूनिट के साथ में, विटामिन ई है सर 2500 mg अच्छी की भारी क्वांटिटी के साथ में दे रखे। इसे खिलाने से क्या होगा सर, सबसे पहला काम जो हर पशु मालिक का सपना होता है कि हर वर्ष उसको एक नया बच्चा चाहिए और भरपूर मात्रा में उसको दूध भी चाहिए, तो इसे खिलाने से पशु समय पर हीट पर आएगा, कंसेव करेगा सर, और अगर कोई पशु मालिक उसको कंटिन्यू खिलाएगा तो क्या होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। जब सर किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो या तो बीमार ही नहीं होता, और बीमार होता है तो हल्के सुल्के ट्रीटमेंट से फिर वो ठीक भी हो जाता है, और अगर कंटिन्यू इसको खिलाते रहेंगे तो उसकी बॉडी के ऊपर हमेशा चमक बनी रहेगी। ये सर क्षमता रहेगी। अभी आपने जो ये बताया कि जो पीछा अंग दिखाने की जो शिकायत होती है, इसमें जो हमारे पास एक गैया है जो मैं अभी उसका जिक्र कर रहा था अभी, वो मतलब वो गाभिन जो हो जाती है, मतलब गर्भवती जो हो जाती है, उसके 6 मंथ के बाद में उसे 2 साल हो गए,
मतलब दूसरा है वो दो मतलब दो साल से वो छः महीने के बाद में वो पीछा अंग जो फूल जिसे फूल भी बोल देते हैं कुछ जगह बोल देते हैं बेल बाहर आ गई या मान लो फूल दिखा रही है या पीछा अंग जो भी शुद्ध हिंदी हमारी, तो ये जो शिकायत है वो कंटिन्यू दो बार आ रही है। तो इसका जो उपचार है भाई कल के लिए गर्भवती होगी वो, तो ऐसा वो क्या उपचार है जो वो गर्भवती हो और उससे मतलब बात के लिए उसे ऐसी कोई शिकायत ना आए? ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन फिर दोबारा करना चाहूँगा सर, हमारा मेटाबोलाइट मिक्स आता है, ये जो प्रेगनेंसी केयर प्रोडक्ट होता है इसका मेन काम जो होता है प्रोलैप्स को रोकेगा सर, बहुत मिनिमाइज में होगा तो बाकी होगा नहीं किसी भी व्यात में सर, साथ ही साथ अडर का डेवलपमेंट करेगा सर। अगर एक बार किसी पशु को सर प्रोलैप्स होने लगता है तो पशुपालक भी परेशान, डॉक्टर साहब भी परेशान रहते हैं और यानी वो ब्यात उसका बिगड़ जाता है सर। तो आपसे निवेदन यही रहेगा सर, जब भी ब्याने का एक महीना रह जाए पशु का तो मेटाबोलाइट मिक्स उसको लेकर के आइए, इसमें 50-50 ग्राम के 20 पाउच अवेलेबल रहते हैं सर, या तो एक पाउच शाम सुबह संभव तो खिला सकते हैं, वरना दो पाउच एक साथ में किसी भी उसके दाने चारे में डाल के उसको खिलवा सकते हैं, उससे सर प्रोलैप्स नहीं होगा सर। साथ ही साथ सर डिस्टोकिया के भी कम चांसेस रहेंगे, मिनिमाइज होगा मिल्क फीवर सर, और अडर का तो बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगा जो कि हर पशु मालिक चाहता है सर। थैंक यू सर। और सर ये जो अभी आपने बताया कि यदि हम समय समय पे जो कीड़े पैदा हो जाते हैं पेट में मतलब पशु के, चलो किसी कारणवश अगर कभी गैप हो जाए या कोई ऐसा जो है दर्द बुखार बहुत सी बातें होती हैं, तो कुछ घरेलू सामग्री हमारे घर में ऐसी होती है, मसाले हैं जो हमारे बड़े बूढ़े जो पूर्वज थे वो मसालों द्वारा ही जो घर में मतलब प्रयोग होने वाली चीज़ें उनका ही उपचार से मतलब वो कुछ टाइम के लिए वो करते थे, तो ऐसी वो जो घरेलू हैं जो रोज़मर्रा के काम में आती है हमारे जो खान पान में आती है, वो ऐसी कौन से मसाले हैं या वो कौन सी सामग्री है जिसको हमें उसकी खुराक देने से कुछ टाइम के लिए मतलब वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए? अगर ऐसी कभी भी समस्या आती है सर कि पेट में अचानक पशु के दर्द होने लगता है, तो प्राथमिकता उपचार के लिए आप उसको मीठा सोडा खिलवा सकते हैं। मीठा सोडा? यस, दो या तीन चम्मच उसको खिलवा दीजिए, कुछ समय के लिए उसको आराम मिल जाएगा, फिर जितनी जल्दी हो सकते उसको अपनी चिकित्सा पद्धति के अनुसार आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, यानी कि आपको 2-4 घंटे के लिए रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, इस समय जैसा कि अभी बरसात का मौसम है तो कुछ बीमारियां मौसमी होती हैं, मतलब कई बार क्या होता है कि खुरपका ही स्टार्ट हो गया, या मान लो कोई है मतलब जैसे कई कई प्रकार के रोग मतलब मौसमी तौर पे मतलब एक वायरल प्रकार से होते हैं, तो इस समय जो पशुओं में जो एक नॉर्मली रोग है वो इस समय कौन सा है, और है तो फिर उसका उपचार क्या है? ठीक है सर, देखिए इस टाइम तो सर अभी तो कर अदर वर्ड्स होता था, HSV होता था, FMD हुआ करता था, तो सर अभी आपने नाम लिया था खुरपका का, तो उसको सर हमारे वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार FMD कहते हैं सर उसको, तो उसमें सर क्या होता है उसके लिए जो है सर अडर स्ट्रॉन्ग एच हमारा मल्टीविटामिन आता है सर इसमें, तो इसमें सर चेलेटेड क्रोमियम है, विटामिन AD3 और विटामिन B12 भी है सर, मोनोरिक एसिड, जिंक और बायोटीन है, ये क्या करता है बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है सर, उसके अंदर ताकत पैदा करता है, जो मिनरल डेफिशिएंसी आई थी विटामिन की उसको पूर्ति करता है, तो या तो पहले तो वो इन रोगों के मतलब फंसेगा ही नहीं, और फंसेगा भी तो आसानी से वो निकल जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर को ये हमेशा बढ़ाए रखेगा सर। तो ये तो आपकी सर FMD के लिए होगा। तो अभी आपने डॉक्टर साहब से सुना, जो हमारे पशुपालक बंधु हैं, हमें आशा है कि जो भी डॉक्टर साहब ने जानकारियां दी हैं वो मतलब समझ में आई होंगी, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हम कर ना पाए हों और ऐसी बातें हों जो आप जानने की कोशिश कर रहे हों, यदि ऐसी कोई बात है तो हम डॉक्टर साहब का नंबर अपने जो डिस्क्रिप्शन में देंगे, और आप कमेंट के द्वारा जो आपका रोग का मतलब उपचार है उसके बारे में आप डॉक्टर साहब से मतलब जान सकते हैं। धन्यवाद।